महारानी के चरणों में आपने सुंदर सा गीत गाया, मेरी ओर से उत्तर हो गया, यानी महारानी के चरणों में दो गीत हो गए। बिल्कुल, लेकिन मैं महारानी के चरणों को छोड़ू मैं नहीं, ना क्योंकि आपने माँ की बात की है, तो स्वाभाविक है मुझे पिता की बात करनी पड़ेगी। और क्या, लेकिन भगवान पिता भगवान भोलेनाथ उनके ग्यारहवें रुद्र हनुमान जो कि महारानी की सेवा में सदैव तत्पर हैं। आप वैष्णो धाम जाएं, वहां पर दो पहरी आपको अवश्य मिलेंगे। भगवान भोलेनाथ के ग्यारहवें रुद्र हनुमान जी महाराज और भैरव नाथ, ये महारानी के दो पहरीदार हैं। हाँ, अब तो पहरेदार में मैं एक पहरेदार ले रहा हूँ, वो कौन है? हनुमान जी महाराज। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, दरबार की जय। गीत आया कौन सा? अरे रंग लाया चोरी चोरी लगे, क्या बात है, बहुत अच्छे ऐसे ये बात। और बहन श्री सोहन सिंह की ओर से ये क्या उर्व है, बहुत बहुत धन्यवाद है। गीत बजा। रंग लाया चोरी चोरी बातों का पता लगाना, ओ चूंकि फिल्में गीत गाते नहीं तो हमें मालूम भी नहीं है। अरे रात को मैं सो गया, ऐसे कुछ गीत है। रात को मैं सो गया, सपनों में खो गया, आग लगे सारी दुनिया में, आग लगे सारी दुनिया में, मैं अनगा हो गया। जियो दादा। तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण, वरना महाराज सात भैरों के बाद भी प्यार नहीं होता। अरे आग लगे सारी दुनिया में, मैं उनकी हो गई रे बलम जी, सजन जी बलम जी, तेरे कारण तेरे कारण तेरे कारण मेरे साजन, बचपन से ले रहा हूं। हनुमान जी महाराज बाल्य अवस्था में है और बालक के दो काम, बालक के दो काम खेलना खाना, खेलना और खाना। बालपन में हनुमान जी महाराज को भूख लगी, ए मैया मुझे भूख लगी है। माता जना ने कहा लाल अभी तो कुछ खाने की व्यवस्था है नहीं, सुधा हुई है, ऐसा कर चला जा कहीं देख ले कोई फल वल मिल जाए तो उसको खा लेना। ठीक, हनुमान जी महाराज आगे बढ़े,
देखा कोई फल नहीं दिखा, बगीचा तो नहीं दिखा, लेकिन फल दिखा। सूर्य देव सुबह की लालिमा है, सोचे ये तो बड़ा सुंदर सा फल, पका हुआ फल है। अब जब वो देखा सूर्य देव को हनुमान जी ने, तो बस मेरी पंक्ति शुरू हो रही। विमल व्याकुल जी सुनिए, ध्यान से नोट करिएगा, गीत में कुछ है। ये लग करके लाल लाल रवे, लग करके लाल लाल रवि हनुमंत मन हर्षाया है। सोचा फल तो मिल गया, फिर मन में कोई समझ लाल फल, मन में कोई समझ लाल फल, अंजन लालन दाया है। अद्भुत प्रतिभा वाले हर संकट है जो टाले, अद्भुत प्रतिभा वाले हर संकट को जो टाले, अरे खेल ही खेल में सूर को अपने, अरे खेल ही खेल में सूर को अपने मुख में रखने वाले हैं बजरंग। खेल ही खेल में सूर को अपने मुख में रखने वाले हैं बजरंग। हे बजरंग, हे बजरंग, तेरा बंधन तेरा बंधन, तेरा है अभिनंदन। हनुमान जी महाराज को भेजा गया महारानी सीता का पता लगाने के लिए। महारानी सीता का पता लगाने के लिए जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आखिर सीता को अपनी पहचान कैसे दूंगा, मुझे महारानी सीता पहचानी कैसे कि आपने मुझे भेजा है। बिल्कुल, प्रभु राम ने मुद्रिका उतारी, हनुमान जी महाराज को दे दिया। हनुमान जाइएगा, ये मुद्रिका जब आप देंगे तो महारानी सीता तुरंत समझ जाएंगे कि मैंने आपको भेजा है। सुनिएगा दूसरी पंक्तियां कह रही है, समझते रहे ना भैया। देख कर रघुबर ने अंगूठी, अपना मन महकाया है। जो डाले दुखों पे ताला, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्द लाग गए अचरज नाही। जो डाले दुखों पे ताले, हर भय को मन से निकाले, निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। जो डाल दुखों पे ताले, हर भय को मन से निकाले, और राम काज है, अरे राम काज हित जो है अंगूठी मुख में रखने वाले। पहले सूर्यदेव को मुखर में रख लिया, अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, नदी लाल अचरज नहीं। तो राम काज हित
जो है अंगूठी मुख में रखने वाले हो बजरंग हे बजरंग हे बजरंग तेरा बंधन तेरा बंधन अभिनंदन मारुति बंधन सुंदरता पर हाँ। चक्र को अपनी बेग पर ये। और गरुण को अपनी शक्ति पर ये। जब घमंड हो गया तो प्रभु ने सोचा इनका घमंड चोर किया जाए हाँ। प्रभु राम ने प्रभु कन्हैया ने राम का रूप बना लिया हाँ। और संत मामा से कहा आप सीता का रूप बना ले गरुण को भेजा जाइए हनुमान जी को बुला करके लाइए हाँ। चक्र से कह दिया कि आप पहरे बैठ जाइए अंदर कोई ना पाए हाँ। और जब गरुण को भेजा गरुण जी गए हनुमान जी के पास में आपको प्रभु राम ने बुलाया है पहले कहा आपको कन्हैया ने बुलाया बोले कौन कन्हैया समझते रहे ना शुक्ला जी आदरणीय श्री राम बाबू तिवारी आपके ओर से 51 रुपए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत तेज कलम चल रही है हाँ लकी साउंड शिवली नदी फतेहपुर बेहतरीन व्यवस्था जो आप साउंड की देख रहे हैं आपकी ओर से 101 रुपए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय सम्मानी पूजनीय श्री शंभु द्विवेदी आपकी ओर से 101 रुपए हैं मैं कोट कोट हृदय से नमन करता हूँ आपको वंदन करता हूँ एटीएम खुल गया आदरणीय सम्मान्य श्री राजकुमार सिंह आपकी ओर से 101 रुपए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है बहुत बहुत धन्यवाद है टिरु सिंह चंदेल आपकी ओर से 101 रुपए हैं बहुत बहुत धन्यवाद है सुनिएगा बाबडे कोई जोड़ नहीं तुम्हारा भयंकर कहा कन्हैया ने आपको बुलाया है हाँ। बोले कौन कन्हैया हाँ। मैं किसी कन्हैया को नहीं जानता हूँ समस्या आ गई कैसे जाएंगे गरुण जी ने कहा आपको प्रभु राम ने बुलाया है ये। अच्छा राम ने बुलाया है हाँ। तब डाउन हुए ठीक है बोले आप चलो मैं आ रहा हूँ आप चलो और मैं आ रहा हूँ सुनेगा पंक्तियां कह रही है सुनिए शुक्ला जी धर करके राम रूप जब का आशीर्वाद आया हुआ है भगवती आपका कल्याण करें आपका खजाना भरा हुआ रखें जिस खजाने से आपने हाजिरी लगाई है उस खजाने को हमेशा भरा हुआ भैया रखें यही कामना है धर करके राम रूप जब मोहन ने पुलवाया है अपने तब चक्र को प्रभु ने पहरे पे बिठलाया है चक्र कह दिया जाओ पहरे बैठ जाओ कोई अंदर ना पाए और जब गरुण ने कहा राम बुला रहे हैं हनुमान जी ने कहा आप चलो मैं आता हूँ बिल्कुल और गरुण के पहले हनुमान जी महाराज पहुंच गए पहुंचे पहुंचे तो हुआ था क्या है पड़ा चक्र भी कप के पाले कौन है कहाँ जा रहे हैं अरे बोले हमें प्रभु ने बुलाया अंदर जा रहा हूँ अरे बोले किनारे हटो जब चक्र नहीं माना बार बार मना कर रहा है हनुमान जी महाराज को अंदर जाने से हाँ तो देखिए होता क्या है क्या पड़ा चक्र भी कप के पाले मन से है गर्व निकाला बहुत बड़ा गर्व था ना हाँ। था इसलिए पड़ा चक्र भी कप के पाले मन से है
चक्र को मुख में रखने वाले। चक्र को उठाया अपने मुख में रख लिया हनुमान जी महाराज ने, समस्या खत्म। अंदर पहुंच गए और जैसे अंदर पहुंचे, अरे बोले प्रभु आप यहाँ, माता जी कहाँ? बोलिए बैठी तो है। बोले ना ये मेरी माँ नहीं हो सकती, ये तो मेरी माता की कोई दासी लग रही है। वहां पर सत्यभामा का भी घमंड चूर हो गया, इसलिए अरे हर सुतया आदित्य चक्र को मुख में रखने वाले हैं। बजरंग हे बजरंग हे बजरंग, तेरा बंधन तेरा बंधन, अभिनंदन मारुति नंदन, सियाराम जय जय राम, सियाराम जय जय राम। सूर्य को अपने मुख में रखने वाले हैं बजरंग, और राग काज गीत जो है अंगूठी मुख में रखने वाले हैं बजरंग, और हर सित है आदित्य चक्र को मुख में रखने वाले हैं बजरंग, तेरा बंधन तेरा बंधन, अभिनंदन मारुति नंदन। सुना आपने अभी? हाँ सुना। पप्पू परवाना जी को बहुत सुंदर जवाब रहा। पप्पू भैया हम ज्यादा कुछ कहने लायक नहीं है, कारण ये है कि तुम छोटे भाई हो। हाँ बहुत सुंदर जवाब है आपका, लेकिन बिल्कुल एक बात तुमने कही है। क्या? कि डाकुओं को माने पैदा कर दिया, उस लाइन को तुमने सुना नहीं, समझ नहीं पाए। चाहे जैसा व्यक्ति हो, जिस भावना से मां के दरबार में जाता है, जब दरबार जाता है तो मां उसकी मनोकामना पूर्ण करती है। बिल्कुल उसका यह भाव था। और रह गई बात, मैंने जब बता दिया था कि काली लक्ष्मी सरस्वती किसी ना किसी देवी की कृपा जरूर हो जाती है। कृपा तो सभी पर है, बिल्कुल हम लोगों पर भी है, लेकिन जिन पे विशेष कृपा है उनकी बात मैंने बतलाई। कोई नई बात तो थोड़ा अमित शाह हम पूछ दें, काली की कृपा सरस्वती कृपा किसी कृपा है, उसमें मैंने अलग से विशेष जो विशेष कृपा हुई है उनके नाम मैंने बतलाए थे। सुनिए क्या कहा था मैंने, अरलता सलखा चंचल लता शलखा चंचल तुलसी रस खान हो, चाहे दादा हरि किशन आता उल्लखान हो, आता उल्लखान हो। और समझते रहिए भैया, चाहे मुकेश जी रवि चाहे सूर हो, चाहे कुमार सानू महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर, महेंद्र कपूर। आप क्या लाए हैं, जितना बन सकता है उतना व्यक्ति प्रयास करता है। बिल्कुल लेकिन अमित शाह योगी आदित्यनाथ ठीक है, बढ़िया है, छोटे भाई हो, बहुत सुंदर जवाब है, बढ़िया है। सुनिएगा समय वेस्ट न करते हुए अपनी तरफ से, ये बात ऐसे ही हौसला बढ़ेगा, बहुत बढ़िया।
सब लोग जा रहे हैं क्या मंच छोड़ के? एक एक करके जाओ। ये तो भाई मिश्रा जी, ये तो अगर सब लोग चले जाएंगे तो मिश्रा बंधुओं के साथ नाइंसाफी होगी। जाइएगा नहीं ना भाई? बिल्कुल। एक छोटा सा गीत छोटे भाई की ओर से आया है, प्रयास कर रहा हूँ, सुनिएगा। छोटा सा नहीं है वो, मोटा सा है। परम सम्मानी मनोज सिंह जी, उनकी ओर से 51 मुद्राएं हैं। ये गीत बजा। और बिना नींद सो गई। अच्छा, आराम से बजा भाई, आराम से। वाह, सपनों में खो गई, आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे मलम जी। ये ऐसे है ये बात, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे को हमेशा। परम सम्मानी श्री मुकेश द्विवेदी के मामा के लड़के हैं सुशील मिश्रा, उनकी ओर से 111 मुद्राएं हैं। ये विमल मिश्रा उन्हें नमन करता है, प्रणाम करता है, आशीर्वाद कामना करता है। और बिना नींद सो गई, सपनों में खो गई, आग लगे सारी दुनिया को, मैं तेरी हो गई रे मलम जी। तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे साजन, तेरे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण मेरे। बहुत सुंदर गीत आया है, जितनी प्रशंसा की जाए कम है। बिल्कुल। अरे खेल खेल में सूर को अपने मुख में रखने वाले बजरंग, तेरा बंधन, 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 तेरा बंधन। ठीक है, बढ़िया प्रयास। देखिए कई चौपाइयां भी लगाई हैं। हाँ, अगर तीन जगह उधर पप्पू तबीयत खुश हो गई। शाबाश। हाँ, शाबाश। सुनिएगा। पाकर सुग्रीव से आज्ञा, बाली के डर से सुग्रीव छुपे बैठे हैं। हाँ हाँ। इधर सीता की खोज में राम और लक्ष्मण। सुग्रीव ने देखा, हाँ हाँ, कहीं उन्हीं की चाल तो नहीं है बाली की? नहीं, बाली ने तो नहीं भेज दिया। लग भी रहा,
मानस हनुमान जी को आदेश दिया, देखो ये कौन हो रहा है। पाकर सुग्रीव से आज्ञा, प्रभु से मिलने आए आए, और जब मिले पाकर श्री राम को सन्मुख, बजरंग तब हर साए। चौपाई आई धरी बट रूप देख है जाई, कहे सुजान जी सयन बुझाई। सुग्रीव ने कहा पाकर श्री राम को सन्मुख, बजरंग यो हर साए। खेल प्रभु के निराले, बोलो क्या बात है, क्या बात है लंबरदार, क्या बात है, क्या गूंज है तुम्हारी ढोलक की, क्या बात है। ए, बहुत सुंदर, कहाँ गया बेटा चेला, कहाँ गया। अरे खेल प्रभु के निराले, भेष बदलने वाले, अरे पास में जाकर वापस आकर भेष बदाने वाले, अरे पास में जाकर वापस आकर भेद बताने वाले, बजरंग तेरा बंधन, तेरा बंधन ए, इसको कहते हैं कोरस। अगली बात आई, भगवान राम से मित्रता हुई सुग्रीव की। प्रभु राम के प्रथम मित्र हैं सुग्रीव, मित्रता हुई सीता की खोज के लिए। हनुमान जी को आदेश मिला, जब लंका पहुंचे पाकर श्री राम से आज्ञा, क्या बात है, और थोड़ा मिला के भोले आप बजाते हैं आप। पाकर श्री राम से आज्ञा, लंका को कपिधाए हैं, जब लंका बिधाए, समझते रहिए भैया, लंका में भवन अनोखा, रावा युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्ण न जाए, नो तुलसी का वृंद तहां देखी हरस का कपिधाई। लंका में भवन अनोखा देख कपि हर साए, ये शुक्ला जी कलम, तो भेद वहां पे मिला, विभीषण भैया के द्वारा भेद वहां पे मिला, कपि का ही है खिला, भेद वहां पे मिला, कपि का ही है खिला, अरमा डिग जाकर वापस आकर भेद बताने वाले, बजरंग वो बजरंग तेरा बंधन, तेरा बंधन, तेरा बंधन भय पवन तनय संकट हरण मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हे देव तो
चाचा जी की ओर से है। समझते रहिए भैया कोरस को। एक बात और आती है, रावण पर विजय प्राप्त हुई और जब विजय प्राप्त कर ली भगवान राम ने रहा एक दिन अवध कर अति आरत पुर लोग। ये है शुक्ला जी कलम। आज्ञा प्रभु राम से पाए दरबट रूप अवधपुर जाई भरतय कुशल हमार सुनाई। आज्ञा प्रभु राम से पाके भरत के सन्मुख आए। और जब सन्मुख आए तो बोले आते सिय राम व रघुवर, आते सिय राम है रघुवर भैया को है बदलाए। बिल्कुल सीर लखन क्योंकि बात है मिश्रा जी क्या गाते हैं। अगर उस समय ये खबर, उस समय ये खबर भरतलाल को न मिलती तो शायद कुछ हो सकता था। तो दुख को मिटाने वाले, गम को घटाने वाले, दुख को मिटाने वाले, गम को घटाने वाले, अरे तीन लोक में राम नाम का डंका बजाने वाले हनुमत। तेरा बंधन, तेरा बंधन, तेरा बंधन, सरकार की। हम लोग नया लाते हैं।